Normal temperatures. Normal temperatures. Good morning. Normal temperature. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद स्कूल रीओपनिंग के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएई गवर्नमेंट ने स्कूल रीओपनिंग के लिए क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स किए। जैसा कि सुना है कि पाकिस्तान में भी 15 सितंबर को स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स या पेरेंट्स क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो ड्राइवर्स हजरात हैं या जो उनके असिस्टेंट जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, उन सब का कोरोना टेस्ट किया गया है। उसके साथ स्कूल के सारे अमले, टीचर्स से लेके क्लीनिंग, सिक्योरिटी, सब का कोरोना टेस्ट किया गया है। इसके अलावा स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया गया है। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं यानी 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों का टेस्ट, कोरोना टेस्ट स्कूल की तरफ से किया जाएगा। उसके साथ उन्होंने हर क्लास के कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। कुछ बच्चे स्कूल आएंगे और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। एक ही दिन में सारी क्लास को नहीं बुलाया ताकि गैदरिंग ना हो। बच्चों ने घरों से ही आना है और पाकिस्तान में जैसा कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, एक ही घर में 10 से 15 अफराद भी रहते हैं, नो बॉडी नोज हु हैव कोरोना। तो कुछ बच्चों को यह है कि अगर नजला, जुकाम, बुखार, खांसी है तो उनको स्कूल मत भेजें। उसकी यह वजह नहीं है कि आपके बच्चों को कोरोना है, नहीं, उसकी वजह यह है कि जब नजला, जुकाम, बुखार, खांसी होती है तो इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है। इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़त को बोलते हैं। जब बच्चे में कुव्वत मुदाफ़त कम हो तो उस सर्कल में जहां पे वो जा रहा है, अल्लाह ना करे कि कोई कोरोना का पेशेंट है, तो वो बहुत जल्दी बच्चे को कैच करेगा। इसके साथ बच्चों को बताएं कि 4 से 5 मरतबा आप जो है वो हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर करें और फेस मास्क जो है वो क्लास में पहन के रखें। इसके अलावा जब बच्चे स्कूल से छुट्टी करके आए तो कोशिश करें कि उनके बैग और उनके शूज को अच्छा स्प्रे करके साइड पर रख दें और उनका ड्रेस चेंज करें, हो सके तो उनको शावर दे दें। जी दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद कोरोना वायरस से बचाव के खिलाफ आगाही पैदा करना है दोस्तों, ताकि आपके बच्चे या आप कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकें। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब लोगों को ये सेफ्टी मेजरमेंट्स के बारे में पता चल जाए। आखिर में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियोज आपको मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।